नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा। क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर जाने से ठीक पहले अपने चेहरे पर नारियल का तेल लगाने से आपकी स्किन पर कई लाभकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। दोस्तों, नारियल तेल में शामिल एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद कर सकता है। इसके जीवाणुरोधी गुण स्किन में होने वाली जलन से राहत दिलाने और मुहासों को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। नारियल तेल से मालिश करने से ब्लड के फ्लो को बढ़ावा मिलता है जो नेचुरल ग्लो देता है। जी हाँ दोस्तों, नारियल का तेल रात में लगाने पर ये स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर रातों रात स्किन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, नारियल का तेल स्किन को मॉइस्चराइज रखने और त्वचा को हाइड्रेट करने में भी मदद करता है। ये ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए बेहद अच्छा होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं रात में नारियल तेल से मालिश करने से होने वाले स्किन के फायदों के बारे में। नारियल तेल में नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है जो स्किन को नम बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही ये स्किन को ग्लोइंग और डार्क पैचेस दूर करने में भी मदद कर सकता है। 20% यूवी रेज से स्किन को होने वाले नुकसान से बचाने में भी नारियल का तेल मदद करता है। इसके अलावा सनबर्न और एजिंग के लक्षणों को रोकने में भी मदद करता है। ये स्किन को यूवी रेज के हानिकारक प्रभावों से बचा सकता है। नारियल का तेल कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है और फाइब्रोब्लास्ट को प्रेरित करके और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमों की गतिविधियों को बढ़ाकर घावों को तेजी से भरने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, नारियल तेल के सूजन रोधी गुण स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले तत्व एक जिम्मा और एटॉपिक जिल्द की सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है। आपको अपनी स्किन के उन एरिया पर नारियल का तेल लगाने से बचना चाहिए जहां पिंपल्स होने की ज्यादा संभावना होती है, जैसे कि फेस पर, क्योंकि ये ना केवल आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है बल्कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स पैदा करके मुहासों को भी बढ़ाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और तमाम हेल्थ रिलेटेड रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।